सत श्री अकाल ए बी पी साझा देख रहे हो तुसी। मैं हाँ हरपिंदर सिंह। पंजाब मेल दे विच वड्डियां खबरां लै के एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। सब तो पहला हैडलाइनस। पीएम की सुरक्षा विच कोताही दे मामले नूं लै के सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई। कोर्ट ने कहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे रजिस्ट्रार जनरल रिकॉर्ड सुरक्षित करन। केंद्र अते राज दीआं कमेटियां नूं होल्ड ते रहण नूं कहा। अगली सुनवाई 10 जनवरी नूं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई 3 मैंबरी जांच ने प्यारियाना फ्लाईओवर ते कीती जांच। टीम हुसैनी वाला भी पहुंची। पंजाब दे मुख्य सकत्तर ने भी केंद्र नूं सौंपी मुढ़ली जांच रिपोर्ट। पंजाब सरकार पहले ही 2 मैंबरी कमेटी बना चुकी। 3 दिन अंदर आवेगी रिपोर्ट। पंजाब पुलिस ने अणपछात्या खिलाफ किया मामला दर्ज। हरियाणा के सीएम ने राजपाल कोलों पंजाब दे विच राष्ट्रपति शासन की कीती मंग। पंजाब दे विच चन्नी सरकार खिलाफ जिला पद्धर ते होए प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू बोले होर सूबियां विच चोणां जीतण दे लई पंजाब नूं बदनाम कर रही बीजेपी। अमृतसर एयरपोर्ट से फिर फुटिया कोरोना बंब। दूजे दिन भी रोम तो आई फ्लाइट के 173 मुसाफर मिले कोरोना पॉजिटिव। स्पाइस जैट की फ्लाइट राही आए 285 मुसाफर के किए गए सन RT-PCR टेस्ट। भारत के एक दिन अंदर 1 लाख तो वध कोरोना के केस। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दा हेल्थ वर्कर्स दे वल्लों विरोध। राजपुरा विखे रैली तो पहला चन्नी सरकार विरुद्ध नारेबाजी। नौकरी विच पक्का करन दी मंग नूं लै के होया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा नाल जुड़े मामले ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है। केड़ी धिर दे वल्लों की दलील दित्ती गई है उसके बारे भी जाणांगे। ते नाल ही MHA की टीम पंजाब पहुंची जिथे MHA की टीम ने घटना का जायजा लिया। तो उधर पंजाब सरकार ने भी पूरी घटना नूं लै के केंद्र नूं रिपोर्ट सौंप दित्ती है। तो पंजाब पुलिस दे वल्लों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा नाल जुड़े मामले नूं लै के FIR भी दर्ज की है। तो यह FIR अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच कोताही ते सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र ते राज सरकार ने एक दूजे की जांच कमेटी ते इतराज जताया। तमाम दलीलां सुन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी। कोर्ट ने केंद्र ते राज सरकार नूं इस मामले नाल जुड़ी कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए ने। यानी कि केंद्र ते राज दीआं कमेटियां होल्ड उपर रहणगियां। सुनवाई दौरान पटीशन दायर करने वाले सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाल जुड़िया यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं इस तो कितने वध है। पंजाब सरकार की तरफ तो एडवोकेट जनरल DS पटवालिया ने सरकार का पक्ष रखिया। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने कुछ ही देर बाद जांच कमेटी बना दी सी। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा इस जांच में NIA नूं शामिल होना चाहिए। इस तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस नाल जुड़िया सारा रिकॉर्ड पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कोल सुरक्षित रखने के आदेश दिए। हुण अगली सुनवाई 10 जनवरी सोमवार को होगी। इस सब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मैंबरी जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में IB के ज्वाइंट डायरैक्टर बलबीर सिंह, सुरक्षा सकत्तर सुधीर कुमार सक्सेना और SPG के IG SO सुरेश शामिल ने। यह 3 मैंबरी टीम उस थान पहुंची जिथे प्यारियाना फ्लाईओवर उपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकया गया सी। इस मौके केंद्रीय टीम नाल स्थानक प्रशासन भी नाल रहा। केंद्र की तरफ से एक टीम बनाई गई है 3 सदस्यीय। वो आज फिरोजपुर पहुंच चुकी है और जांच जो शुरू हो चुकी है। हम तस्वीरें आपको दिखा दें कि इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जांच टीम यहां पे फिरोजपुर पहुंच चुकी है। और ये जो फिरोजपुर मोगा रोड है वो प्यारियाने गांव के जो पुल है उसके ऊपर इस समय जो टीम खड़ी हुई है। टीम BSF दे फिरोजपुर स्थित कैंप भी गई। पंजाब विच BSF दा दायरा 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर तक वधाया गया है। इस नाल भी इसनूं जोड़ के वेख्या गया है। इस तो बाद केंद्रीय जांच टीम हुसैनी वाला भी पहुंची। इतने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी सी पर रास्ता रोके जाने कारण प्रधानमंत्री इतने भी नहीं पहुँच सके से। काफ़ी देर तक जांच टीम इतने रही। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच कोताही के मामले को लेकर बठिंडा के SSP को कारण दसो नोटिस भेजे है। 1 दिन के अंदर जवाब मंगया गया है। दूजे पासे पंजाब सरकार वालों भी 2 मैंबरी कमेटी का गठन किया हुआ है। कमेटी 3 दिन अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
हालांकि सूबे च पंजाब दे मुख सकत्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पंजाब दौरे दौरान उन्हां दे काफले नूं रोके जाण दी घटना संबंधी मुढ़ली जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार नूं सौंप दित्ती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तों रिपोर्ट मंगी सी। इस पूरे घटनाक्रम विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच कोताही ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी चिंता जता चुके ने। 6 जनवरी दोपहर करीब 2 बजे राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात की सी। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहला ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपर कोई हमला नहीं होया, ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई खतरा सी। किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है, तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर रैली करने जा रहे सन। कुछ लोगों के प्रदर्शन कारण पीएम नूं रास्ते विचों ही वापस मुड़ना पिया सी। प्यारियाना फ्लाईओवर उपर करीब 20 मिनट पीएम नूं रुकना पिया सी। नतीजा वो वापस मुड़ गए सन। रुकते हैं एक छोटी जिही ब्रेक दे लई। ब्रेक दे उस पार दिखावांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा नाल जुड़े मामले नूं लैके किवें हो रही है सियासत तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मुलतवी होने तो बाद बवाल मचिया होया। बीजेपी वर्करा ने पंजाब दे विच थां थां दे उत्ते प्रदर्शन किए। तो उधर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने बीजेपी के वड्डे इल्जाम लगाए ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बीजेपी पंजाब नूं बदनाम करने की कोशिश के विच है। तो उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू करने की मंग की है। लेकिन ये चूक बहुत बड़ी है और ऐसी चूक के बाद हमें नहीं लगता कि कोई जिम्मेवार सरकार अभी पंजाब में है और उसको बने रहने का कोई हक है। इसलिए ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है ये सफल नहीं होगा। पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है। राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहां के चुनाव होने चाहिए। तोते ने तोते चूरी चूरी सर्दियों दिल्लियों ते नाल दी नाल कहंदे प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट नूं कहो पल्ले नहीं ना बाहर निकलन नूं थां नहीं सीटां तिन नहीं आउंदियां। पंजाब च राष्ट्रपति शासन की मंग मुल्क दे कोने कोने तो बीजेपी दे लीडर होन या फिर वर्कर यही गल दोहरा रहे ने। हरियाणा तो लैके पंजाब तक पूरे देश च बीजेपी पंजाब दी कांग्रेस सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी सुरक्षा यकीनी बनाउण च नाकामयाब रहण दे इल्जाम ला हुण सरकार भंग करन दी मंग लै हरियाणा दे मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट सने राज्यपाल दे कोल पहुंचे। बीजेपी कांग्रेस ते हमलावर है तो पलटवार करन दे विच कांग्रेस ने भी देर नहीं लाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने जवाब दिता है उसे लहजे दे विच। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहाँ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूँ और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए जरूर आऊँगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वो पुनः बहाल कर पाएंगे। पंजाबियों नूं बदनाम करन दा प्रयास है। You will get a befitting reply over here
एंड ऑल दोज हु आर टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल आर योर पैरट्स। तोते ने तोते चूरी चूरी छड़दे हो दिल्लियों ते नाल दी नाल कहंदे प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट नूं कहो पल्ले नहीं ना बाहर निकलण नूं थां नहीं सीटां तिन नहीं आउंदियां समझदे हो जदों कंपेन करन निकलदे आ तां ते जदों रैली करन निकलदे आ तां बंदा एक नहीं खड़ोता हुंदा। इस करके लेट अस फेस रियालिटी पंजाब नूं पंजाबीयत नूं और हर पंजाबी नूं बदनाम करन दा प्रयास बंद करो। वार पलटवार की सियासत जारी है पर पंजाब च डिप्टी कमिश्नर दफ्तरां दे बाहर पहुंचे बीजेपी वर्कर खुल के कांग्रेस सरकार खिलाफ पड़ास कढ़ रहे ने। लुधियाणा च तां बीजेपी वर्कर पुलिस नाल ही उलझ पए ने, बैरीकेड पुट सुटे, खूब धक्का मुक्की होई, पुलिस नूं बीजेपी वर्करां नूं काबू करन लई काफी मशक्कत करनी पई। बीजेपी दे वड्डे लीडर तो लैके वर्करां तक सब कांग्रेस सरकार दे दुआले होए ने, पर हुण इह तस्वीरां देखो 5 जनवरी 2022 दीआं ने। उसे प्यारियाना फ्लाईओवर दीआं ने जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा काफिला रुकिया होया सी। सामने प्रधानमंत्री दा काफिला है ते इधर बीजेपी दा झंडा हाथ च लैके कुछ लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद दे नारे ला रहे ने। ए वीडियो संयुक्त किसान मोर्चा वालों सांझी कीती गई है। दावा हो रहा है कि पीएम दे काफिले दे नेड़े किसान नहीं सगो बीजेपी वर्कर ही सन। ते गल चिट्टे दिन वांग साफ हो गई, जिवें लखीमपुर खीरी दी वीडियो सामने आई सी ते साफ हो गया सीगा कि उत्थे बीजेपी ही दोषी सी कतल करन दे विच। ते इत्थे भी साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा दा घेरा टुटन वाली सिर्फ ड्रामेबाजी कीती आ। असल कारण की सी, उन्हां दी रैली जिहड़ी सी फिरोजपुर दी बिल्कुल फेल हो चुकी सी, उन्होंने बहाना बनाया। इन्हां तस्वीरां दा सच की है ये जांच दा विषय है, पर किसान इस वीडियो तो बाद पंजाब दे सियासतदानां तो मुआफी दी मंग कर रहे ने, क्योंकि पंजाब च प्रधानमंत्री दे रैली च शामिल होए बिना वापस जान तो बाद कई तरह दे सवाल उठन लगे ने। इसलिए अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी सरकारां नूं खास नसीहत दिती है। जिम्मेवार जिहड़े बंदे ने ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1984 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੜ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੇਟ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਹੇਟ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੇਟ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਫੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
यह तस्वीर राजपुरा की दाणा मंडी दियां ने जिथे एक पासे हैल्थ वर्कर अगे वध रहियां ने दूजे पासे नाल-नाल कांग्रेसी वर्कर रैली विच शामिल होण दे लई जा रहे ने। इन्हां हैल्थ वर्करस की मंग है कि नौकरी दे विच पक्का किया जाए। इसे नूं लैके ये वर्कर दुखी होकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करन पहुंचे। हैल्थ वर्कर से जोड़े कच्चे कामे भर्ती किए गए से सेंटर की स्कीम के अधीन भर्ती किए गए से उन्होंने वालों प्रदर्शन है। प्रदर्शन दियां दो तस्वीर एक पासे ढोल बजाते हुए कांग्रेस के वर्कर अगे वध रहे हैं तो उसके दूजे पासे तुसी देखोगे तो महिलावां तुहानूं नज़र आ रही ने जिहड़ियां प्रदर्शन कर रही महिलावां ने तो कैमरे के जरिए दो तस्वीर तुसी देख रहे हो। प्रदर्शन करन आईयां इन्हां हैल्थ वर्करस नूं पुलिस ने रोक लिया। प्रशासन वल्लों मुख्यमंत्री नाल मीटिंग करवाउण दा भरोसा भी दित्ता गया। राजपुरा तो विधायक हरदयाल कंबोज भी प्रदर्शन कर रही इन्हां हैल्थ वर्करस नाल मिले। हरदयाल कंबोज ने दावा किया कि हर मसला हल करवाउण दा। कल भी ये मिल के गए, इन्होंने मैं बिल्कुल नहीं कहा कि असी कोई प्रोटेस्ट करना या असी कोई साड़िया असी इन्होंने कहा कि असी तुहानू मेमोरेंडम देना। मैं ऑलरेडी इन्हों बहुत सपोर्ट करते हैं। असी तो साड़िया बेटिया ने मेरिया धियां ने इलाके दियां धियां ने ठीक है नी। असी तो पहले ही इन्हों मैं तो बहुत सपोर्ट करते हैं। असी जिहड़ी इन्हां दी कोई जरूरी जिहड़ी गल्लां ने वो असी जरूर ध्यान च लिया के सीएम साहब दे करावांगे। इन्हां हैल्थ वर्कर्स ने कोरोना की पहली और दूजी लहर वेले अपनी जान की बिना परवाह कीत्यां भरपूर काम किया, पर जो सरकार ने इन्हां दा बनदा हक देना सी उदों सड़कां ते प्रदर्शन कर कर इन्हां नूं अपनियां मंगां मनवाउणियां पै रहियां ने। पंजाब मेल दे विच रुकदे इक होर छोटी जिही ब्रेक दे लई, ब्रेक दे उस पार की ने कोरोना दे हालात। पंजाब दे विच कोरोना वायरस लगातार पैर पसारदा जा रहा है। अमृतसर एयरपोर्ट ते लगातार दूजे दिन कोरोना दा धमाका होया है। अमृतसर एयरपोर्ट ते इटली दे रोम तो 285 यात्रियों दे नाल फ्लाइट आई सी जिस दे विचों 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले ने। अमृतसर एयरपोर्ट ते लगातार दूसरे दिन कोरोना दा वड्डा ब्लास्ट होया है। इटली दे रोम तो अमृतसर दे लई चार्टर्ड फ्लाइट च सवार 285 यात्रियों चों 173 दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिस तों बाद प्रशासन अते सिहत विभाग हरकत च आ गया है। स्पाइस जेट दी फ्लाइट च सवार 285 मुसाफिरां दा आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया सी अते रिपोर्ट आउण ते दर्ज होए आंकड़े हैरान करन वाले ने। अमृतसर एयरपोर्ट पर आज लगातार दूसरे दिन रोम से जो फ्लाइट आई थी उसमें कुछ पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो डायरेक्टर विपिन कांत सेठ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर आज कितने पैसेंजर जो पॉजिटिव निकले और कहां से ये फ्लाइट आई थी? आज भी ये फ्लाइट जो आई है वो रोम से आई थी। स्पाइसजेट इसको चार्टर्ड किया था और ये चार्टर्ड फ्लाइट है। इसमें अब तक जो रिपोर्ट आया है वो 173 पैसेंजर पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए हैं और ये टेस्टिंग अभी कुछ लास्ट फेज एक बार अभी प्रोसेस में है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी तो लेके प्रशासन तक हर कोई बीते कल दे हुए कोरोना ब्लास्ट दे चलदियां पहला ही तैयार बैठा सी। के साथ स्टेट से बात करके मैंने आपको बताया था इसको ड्यू केयर किया गया है और ये इसमें स्टेट का भी वो रहता है, उनको कहां उनके जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ बात करके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेशन किया जाएगा। कल के मुकाबले कल काफी पैनिक था जहां पे पैसेंजर जहां पे शोर कर रहे थे, तो आज सिचुएशन काफी बड़ी आराम से किस तरह हैंडल किया? मैं यही कहूंगा कि कल एक बिल्कुल अलग तरीके का एक्सपीरियंस था और उससे हमारे एक वी वर बेटर प्रिपेयर टुडे। इटली के रोम से अमृतसर एयरपोर्ट पर आई फ्लाइट में 125 मुसाफिर जो कोविड पॉजिटिव निकले थे उनमें से 13 मुसाफिर जो अमृतसर जिले के साथ संबंधित थे वो फरार हो गए कल शाम के। यो खबर सी जिसने एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाल नाल प्रशासन नु भी हिला के रख दिता। दरअसल इटली दे रोम तो चार्टर्ड प्लेन दिन वेले 11:20 ते लैंड होया। गाइडलाइंस मुताबिक यात्रियों के आरटीपीसीआर टेस्ट होए अते 179 यात्रियों चो 125 दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई अते ए इस साल दा सब तो वड्डा कोरोना ब्लास्ट सी। खतरा उदो कई गुणा वध गया जदों कोरोना पॉजिटिव 125 मुसाफिरों चो
13 यात्री फरार हो गए। मिली जानकारी अनुसार इन्हां फरार यात्रियों चो 9 एयरपोर्ट तो जबकि बाकी दे रहिंदे 4 यात्री हस्पताल तो भजन च कामयाब रहे। अमृतसर दे सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह वल्लों दित्ती जानकारी मुताबिक फरार सारे यात्री पंजाब दे नाल ही संबंधित सन। 13 यात्री अमृतसर जबकि बाकी दूसरे जिलों दे नाल संबंधित सन। हालांकि इस घटना ने प्रशासन की सख्ती के दावों की पोल खोली तो जाहिर तौर पर अधिकारी हरकत चाहे। जिला प्रशासन और सेहत विभाग वालों सारे ही मुसाफिरों की शनाखत कर ली गई है और इन मुसाफिरों को लेके आने के लिए एंबूलेंस रवाना कर दी गई ने। हाँ जी, 13 की असं पासपोर्ट देख के उन्होंने आइडेंटिफिकेशन हो गई, उन्होंने एड्रैस मिल गए। 13 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਕਲੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਰ ਯਾਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, 9 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, 3 ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। सिविल सर्जन मुताबिक सारे ही यात्रियों को 7 दिन तक हस्पताल ही एकांतवास च रखा जाएगा। 7 दिन बीतन से यात्रियों का RT-PCR टेस्ट एक बार फिर तो होगा। टेस्ट रिपोर्ट नैगेटिव आने ही इन्हों घर जाने की इजाजत मिलेगी। एयरपोर्ट तो इस तरह कोरोना पॉजिटिव यात्रियों के फरार होने पिछे हुई अणगहली तो हालांकि सिविल सर्जन भीड़ का हवाला देंदे हुए बचते नजर आए। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਡ ਫਾਈਂਡ ਦਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਏ 13 ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 2427 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਫਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 7 ਦਿਨ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।